நமோ ரந்தானம் நமோ சுத்தானம் நமோ அரியானம் நமோ வஜ்ஜாயானம் நமோ லோயே சவிசாவுனம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கோத்மோகணி மங்களம் குந்து குந்தாத்யோ ஜெயந்த் தர்மமஸ்து மங்களம் சர்வமங்கள் மங்கள்யம் சர்வ கல்யாணிகாரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மானாம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம் வந்தேத்வசவிசித்தே துவமச்சலிமனோபவம் கதிம் பாத்தே போச்சாமி சமய பாவுடோ மிடிமா சுதிக்கே வெளி வணிதம் நமா சமய சாராய் சுவாமி பூத்தியா சகாசித்தே திசு பாபாய் பாபாய் சர்வி பாவாந்தரச்சதி சர்வக்கி சாசஞ்சயவந்தி வரிதே நிர்கிரந்தி சாசஞ்சயவந்து வரிதே எஹி பாவே அவிச்சின்ன ரைதாய மணிமே சர்வக்கி சாசஞ்சயவந்தி வரி சமிசார் பரமகம் समयसार परमागम गाथा 49 का अपना स्वाध्याय चल रहा था। 49 गाथा के अंतिम टीका के वचनों को इसमें की चेतना गुण की महिमा बताई। जान अलिंग गहनम चेदना गुण मनिद्य मन भाई कहता है अरसि मरु विमगंधम अवत्तम चेदना गुण मसद्दम जाने अलिंग गहनम जीव मनिदिट संठानम जीव चेतना गुण सामदरस रूप गंध व्याक्ति वीने निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं लिंग से। 151 पेज में कैसी है वो चेतना जिस रूप अपने को देखना है कि वही चैतन्यपना स्वयं के अनुभव में आता है। अनुभव में आने वाला है चैतन्य गुण है, ये चेतना गुण है, यह अपने अनुभव में आता है और अंतरंग में प्रकाशमान है। और कैसा है वो चेतना गुण कि जो समस्त भी प्रतिपत्तियों को नाश करने वाला है, जीव को जो नाना प्रकार से मानने रूप जो विपरीत मान्यताएं हैं वे विपत्तियां हैं उनका आचार्य भगवान कि समस्त भी प्रतिपत्तियों को यानी जीव को जीव रूप ना देखकर ना जानकर जो अन्य अन्य प्रकार से देखता जानता है यही विपत्ति है, यही झगड़ा है। इसको कहेंगे झगड़ा है। मानो जीव को रागी देखना, द्वेषी देखना, मोही देखना, ये विपत्ति को बुलाना है। जीव को पर्याय रूप देखना ही विपदाओं को बुलाना है और पर्याय को भूल जाना ही विपदाओं को भुलाना है। यानी अपने को पर्याय रूप देखा सोई विपत्तियां आई। यानी स्थूल रूप सामान्य रूप में इसका अर्थ करें कि अपने को मनुष्य देखा, अपने को बालक देखा, वृद्ध देखा, युवा देखा, बीमार युक्त देखा, स्वस्थ देखा, पैसे वाला देखा, बिना पैसे वाला देखा, विपत्ति आ गई। यानी जीव को अन्य रूप देखना विपत्तियों को बुलाना है।
जीव को राग ही देखना, द्वेष ही देखना, मोह ही देखना, कर्म नो कर्म वाला देखना, यानी जो जीव को नाना रूप देखने मान्य रूप मान्यताएं हैं, वे विपत्तियां हैं, झगड़े हैं, यानी क्लेश है। और उस क्लेश को नाशने वाला एक चेतना गुण है। हर समय अपने को ज्ञाता दृष्टा देखो, ये ही समस्त विपत्तियों को नाश करने वाला है। जीव को जीव रूप ना देखकर राग रूप देखा सोई तुम दुखी हो जाओ, कर्म रूप देखा सोई विपत्ति आ गई, क्योंकि ये भगवान आत्मा कोई अद्भुत पदार्थ है, इसकी महिमा क्या कहें। भी मन बन रहा है देखो जैसा योग्यता हो जाए, अलिंग ग्रहण के भी बोल है ना प्रवचन सार जी के, इस गाथा के साथ बीवी 20 बोल चला दें, हाँ इस गाथा के साथ अलिंग ग्रहण के जो बोल हैं बड़े गंभीर हैं, लेकिन गंभीर कह के कठिन कह के छोड़ना थोड़ी है, तो वहाँ संगे नहीं पढ़ोगे पर अकेले में तो कभी बाँचोगे नहीं। इसीलिए वो जो गंभीर विषय अलिंग ग्रहण का गुरुदेव को बहुत पसंद है, उनकी प्रातः की चर्या में 6 अव्यक्त के बोल, अलिंग ग्रहण के बोल, 47 शक्ति, 47 नय, ये तो उनकी चर्या कहते सुबह की चिंतन की। तो क्या कहते हैं कि जीव को जीव रूप ना देख करके जीव को अन्य रूप देखना ये विपदाओं को बुलाना है, और जीव को जीव रूप देखना ये विपत्तियों को भुलाना है। विपत्तियों को भुलाने का उपाय जो है जीव को चेतना गुण रूप देखो, जीव चेतना गुण, बस जीव चेत, मैं तो जानना देखने वाला परमात्मा हूँ, ऐसा अपने को देखते रहो। पुनः देखो अपन अब वहीं ले रहे हैं, तो अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा सदा अंतरंग में प्रकाशमान है, इसलिए चेतना गुण वाला है, क्योंकि इसके भीतर दूसरा कोई प्रवेश हो नहीं पाया। इसमें तो सदा चैतन्य पना ही प्रकाशमान है। अंतरंग में जाकर देखा तो चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं, ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं, वो तो ज्ञान 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 मैं ही था। इसीलिए अंतरंग में जाकर जब देखा कि ज्ञाता दृष्टा होना नहीं है, ज्ञाता दृष्टा पने का तो ये बना बनाया है, जैसे मिश्री मिठास से बनी हुई है ऐसे ही है भगवान आत्मा ज्ञान से सुख से बना हुआ है, यानी इसके प्रदेश प्रदेश में ज्ञान और आनंद के झरने झर रहे हैं। इसलिए लिखा है कि वो जो चेतना गुण है वो सदा अंतरंग में प्रकाशमान है। अब कैसा है वो कि वह चेतना गुण समस्त भी प्रतिपत्तियों को नाश करने वाला है, यानी जो अपना को चेतना गुण रूप देखा सोई विपत्ति गई, जब तक अपने को ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं देखा सौरभ भैया है तीसरे दिन फिर बांच रहे हैं अपन इसी को धीरे धीरे है। ये अपने को ज्ञाता दृष्टा ना देखकर कर्म रागादि रूप देखता है, यही विपत्ति है। और जो चेतना गुण कैसा है, यानी चेतना गुण जो जीव को नाना रूप मानने वाले झगड़े थे, यानी विपत्तियां थी, यानी विप्रतिपत्ति थी, यानी जो विप्रतिपत्ति जो विपत्ति का कारण है वो उनको नाश कर देता है। मानो फिर जब चेतना गुण देखा तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, है भगवान ज्ञाता द्रव्य है। 34 गाथा की टीका आ चुकी है, वैसे गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी आ चुकी है, है भगवान ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता द्रव्य है, कि भगवान आत्मा जानने देखने वाला है। तो भाई अपने को कर्ता देखना भोक्ता देखना ये विपत्ति है, विप्रतिपत्ति है। कर्ता देखना भोक्ता देखना पर रूप देखना, पर को अपने रूप देखना, कर्म के उदय रूप देखना, पाप रूप देखना, पुण्य रूप देखना, ये भी प्रतिपत्तियां हैं।
और चेतना गुण देखना ये भी प्रतिपत्तियों को नाश करना है। माना जीव को जो मूल स्वरूप से विपरीत मानता का नाम ही भी प्रतिपत्तियां हैं, तो उनको नाश करने वाला है ये चेतना गुण। जीव को कोई कर्म के अतिरिक्त तो कोई राग रूप देखता है, कोई रूप देखता है, क्यों यहाँ शुरू हुआ था ना, तब आचार्य महाराज ने उन गाथाओं में ये जो अन्न मत की मान्यता है, कोई कहता है अध्यवसान से भिन्न कोई जीव है ही नहीं है, कोई कहता है कि जैसे शरीर से न्यारा मुझे तो कोई जीव दिखाई देता नहीं है, कोई कहता है ये नाना प्रकार की मान्यता है, अध्यवसान राग से भिन्न शरीर से कर्म से न्यारा कोई जीव मुझे तो नहीं दिखाई देता। आचार्य महाराज कहते तुम्हें ना दिखाई दे, अंधों को क्या दिखाई दे, हमें तो दिखाई देता है। ये लिखा ना उसके पहले जो विपरीत मानता हूँ वहीं से तो इनका खंडन शुरू हुआ था। जब ये अजीव अधिकार जीवा जीव अधिकार शुरू हुआ है और जीवा जीव अधिकार के पहले ही जो नाना प्रकार के मान्यता वाले थे ना उनकी मान्यताएं शुरू कर दी थी। मान्यता याद है तुम्हें कौन सी गाथाओं में, देखो इधर ही देख लो कोमूण आत्म 130 पे देख लो थोड़ा सा, उसके बाद अपने विषय पे आना है, ध्यान रखना ये जो चल रहा है। ये विप्रतिपत्तियां क्या है, कोमूण आत्म अजानी जो पर आत्मवादी जीव है कर्म अध्यवसान ही जीवे यूं ही वो कतनी करे। कि को आत्मा को ना जानता हुआ पर को आत्मा कहने वाला कोई मूढ़ मोही अज्ञानी प्राणी अध्यवसान को और कर्म को जीव कहता है। और फिर कोई अध्यवसान के तीव्र मंदोदय को जीव कहता है और कोई नौ कर्म को जीव कहता है, कोई कर्म के उदय को जीव कहता है, कोई तीव्रता मंदता रूप गुणों के भेद को जीव कहता है, कोई कर्म के अनुभव को जीव कहता है, हैं? कोई जीव के और कर्म के दोनों के मिले हुए को ही जीव मानता है, जीव और कर्म को टीका अर्थ बढ़ रहा है, और कोई कर्म के संयोग से ही जीव मानते हैं, इस प्रकार नाना प्रकार के। आखिरी में क्या कहा, दुर्बुद्धियों बहुभा दुर्बुद्धियों और बहुविद आत्मा पर को कहें वे सर्व नहीं परमात्मवादी जिन कहें। प्रतिपत्तियां विपरीत मान्यता में आया कि कोई कर्म को जीव मान रहा है, कोई राग को जीव मान रहा है, कोई मंदोदय को जीव मान रहा है, कोई तीव्रोदय को जीव मान रहा है, कोई कर्म के फल को जीव मान रहा है। अब इन सब मान्यताओं को नाश करने वाला कौन है, आ जाओ चेतना, समझ में, इसका नाम है विप्रतिपत्तियां। यानी जो जो जीव को नाना रूप मानने वाले झगड़े थे, अब झगड़े तो होंगे, कहते कर्म रूप जीव है, वो कहे नहीं मंद मंद मंदता रूप जीव है, वो तो मंद मंद कसा रूप जीव है, उन्हें नहीं शरीर रूप जीव है, उन्हें कहे हमें तो ऐसा जीव देखा, ये क्या है, ये है झगड़े। कोई कह जीव तो नित्य ही है, वो कह रहे नहीं अनित्य ही है, वो तो कह रहा ये कही है, वो कह नहीं अनेक है, ये क्या है, झगड़े है, समझ में आया कि नहीं, ये झगड़ा है, झगड़ना है, समझ में आया। माना जो मूल वस्तु को ना पकड़ करके नाना रूप मानता है जीव के प्रति, उसका इनाम क्या शब्द दिया है, विप्रतिपत्तियां। जो जीव को देखो मूल विषय पर क्या लिखा था, जो जीव को चेतना गुण समस्त विप्रतिपत्तियों को नाश करने वाला है, अर्थात समस्त झगड़ों को नाश करने वाला है। कोई कह रहा था तो हम वो कह रहे 9 बजे की ट्रेन से जाएंगे, उनके 10 बजे के, उनके 12 बजे के, उनके 4 बजे की, तब तक एक व्यक्ति आया, टेंशन मत करो, इस सुबह के 3 बजे 3:30 बजे का टिकट बन गया है। अब कहा ऐसे ही कोई कह रहा था, ये कोई कह रहा था, ये कोई कह रहा था, आचार्य महाराज बोले विषय पे आ जाओ, पलट दो, अब नहीं बातेंगे उसको।
आचार्य महाराज बोले काको झगड़े कर रहे हो, ये कुछ भी जीव में तुम कर्म रूप मान रहे हो ना तो जीव कर्म रूप है, तुम उदय रूप मान रहे हो ना तो जीव उदय रूप है, तुम कर्म का भोक्ता मान रहे ना तो भोक्ता है, कर्ता मान रहे ना तो कर्ता है, मंदता को मान रहा ना मंदता है, ना शरीर है ना युवा न बाल न वृद्ध कोई अवस्था ना सूक्ष्म ज्ञान रूप, ये जीव है ही नहीं है जीव। तो अब जो चेतना गुण माना तो सारी की सारी मान्यता खत्म। अब जी तो अन्नमति है, ऐसी हम भी अन्नमति है। कौन अनुमति है? कि जो आत्मा चेतना गुण रूप अपने जीव को ना माने वो ही अनुमति है। आत्मा को से अन्य रूप अपने को मानता है, जो अपने को आत्मा ना देख करके अपने को अन्य रूप मानता है वो ही अनुमति है। भगवान के शासन के बाहर है वो, कौन? जो अपने को आत्मा रूप नहीं देखता है, जो राग में सुख मानता है, राग में ही तृप्त रहता है, वो अनुमति है। ये जैन मती की मान्यता तो ये है कि ये जो अनुभव में आता चेतना गुण है भाई में, तो ये जो जीव को नाना प्रकार से मानता है ये भी प्रतिपत्तियां हैं, ये भी प्रतिपत्तियां ही विपत्तियों का कारण है। तो फिर क्या लगते हैं जिसने अब कैसा है वो चेतना गुण? पहले नंबर तो खत्म कर दिया उसने सब झगड़े वगड़े आते ही। अब फिर हमारा झगड़े तो खत्म कर दिया, फिर जीव को कुछ देता है कि नहीं देता है? कि अपना जिसने अपने को चेतना गुण रूप देखा और अन्य से भेद ज्ञान किया, यानी मेरा ज्ञान अपने ज्ञान से अभिन्न हुआ, चेतना गुण से अभिन्न हुआ और अन्य से भिन्न हुआ, चेतना गुण ने उसको सब कुछ दे दिया अपना। बोलो, जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को, यानी चेतना के पास क्या क्या था कल खोला था हमने, ज्ञान दर्शन शोक वीर प्रभुता सम्यक जो कुछ था, और जैसे ही स्वीकार किया वैसे ही सर्व गुणांश से समकित है, कि जो जैसे ही अपने प्रभु में चेतना गुणमय हूँ ऐसा स्वीकार किया तो समस्त जो अनंत गुण था उनका अंश तो पर्याय में आ गया, सर्व गुणांश से समकित। श्रीमद जी का वाक वचन है ना कि सर्व गुण अंश रूप में वो सब यहीं प्रकट हो जाते हैं चौथे गुण स्थान में, यानी अपने को परद्रव्य भावों से न्यारा चैतन्य गुण में हूँ ऐसा स्वीकार करते ही चेतना गुण ने उसको सारा वैभव दे दिया। संभालो अब तुम्हारी संभालो पूरा कबूल, क्योंकि तुम्हारे लिए ही है। समझ में आया? धन्य कुमार का प्रसंग आता है कि धन्य कुमार को उन्होंने सोचा कि इनको कैसे भी मरवाएं या कुछ करें, तो उनके लिए एक ऐसी गुफा में भिजवा दिया कि जिससे वहाँ कहा गया, घोषणा कर दी कि राज्य देंगे ऐसा देंगे, वही सब घोषणा के बाद में अगर किसी में बल हो तो उस गुफा में जाए। तो गुफा में एक बैंतर था जो किसी को प्रवेश नहीं करने देता था, बहुत से लोगों का वहाँ डर के मारे स्वयं घात हो गया था, और आधी रात को जा, दिन में भी कोई नहीं जाता था। तो जब वो धन्य कुमार पुण्यशाली पवित्र आत्मा जो गया, सब बिना वह के निर्वय होता हुआ गुफा के अंदर गया, सब तो लोग कह रहे अब तो मारा गया, लेकिन जैसे ही गया, हो मेरे दातार हे मालिक आपको ही तो मैं इंतजार कर रहा था, वो देव चरणों में झुक गया, वो स्वागत किया, वो काली अंधियारी गुफा को भी उसने प्रकाशमय कर दिया और उसके पास बहुत सा खजाना रखा। बोले ये खजाना मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, और दूसरे लोगों को इसलिए नहीं आने देता, डरा के भगा देता था, मार देता, जो भी कुछ कर देता था कि इस खजाने तक कोई पहुंच ना पाए, क्योंकि यह खजाना तुम्हारे लिए ही था, अब तुम इसको सौंपो। जो गुफा में गए तो पूरा खजाना दे दिया। ऐसी कहानी क्यों याद आती है? हाँ, ये सब जगत को लोग तो कह रहे थे मरन क्या मौत में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसी की परवाह
नहीं करी और वो गुफा की अंधेरी में चले गए। और जो गए तो वहां अंधेरा था ही नहीं, दूसरों को अंधेरा था और धन्य कुमार के लिए तो पूरी गुफा प्रकाश में हो गई। अज्ञानी को आराधना के मार्ग में अंधकार दिखाई देता है, दुख दिखाई देता है, और ज्ञानी को तो आराधना के मार्ग में ही आनंद दिखाई देता है। समझ में? और किसी से जैसे वो रोके नहीं रोके, सबने रोका, ऐसे ही ज्ञानी उद्दत ज्ञान, ऐसा शब्द आता है अपने ग्रंथ में, उद्दत ज्ञान, ज्ञान स्वभावी आत्मा को लेकर आता है। उद्दत ज्ञान मतलब जो ज्ञान किसी के रोके ना रुके, यहाँ कर्म रोके नौकर कोई कैसी विपत्ति आते रहे, और बहुत तो चेतन में चला जाता है, विकल्प आते हैं बीच बीच में, विकल्पों से नहीं रुकता। बहुत से लोग और बाहर से चले जाते हैं, कहाँ रुक जाते हैं, जा करके विकल्पों में रुक जाते हैं, विकल्प फंसा लेते हैं उनको, भाई विकल्प रूप अपने को मानने लगते हैं, और वे विकल्पों में रुके हुए फिर बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये तो सीधा नौ कर्म द्रव कर्म भाव कर्म रेत चैतन्य में गया, और चैतन्य में गया तो वहां तो आनंद 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 बरस रहा था, और चैतन्य ने उसको अपना सब कुछ सौंप दिया, वेद ज्ञानियों को सर्वस्व सौंप दिया। भाव क्या कि वेद ज्ञानी ही आत्मा का सर्वस्व क्या है वे जानते हैं, अज्ञानी नहीं जानते हैं आत्मा क्या है। यानी कोई भी द्रव्य, कोई भी क्षेत्र, कोई भी काल, कोई भी दशा हो, वेद ज्ञानी ही जानते आत्मा सबसे न्यारा है, और आत्मा तो परम आनंदमयी है। तो वेद ज्ञानियों ने सर्वस्व, वेद ज्ञानियों को सर्वस्व सौंप दिया। क्यों? वेद ज्ञानियों ने सर्वस्व आत्मा के लिए दे दिया, किसी पर लक्ष्य नहीं है वेद ज्ञानियों को। एक अजात्मा एक आत्मा, अरे जगत निंदा प्रसन्नता क्या करता, हमें कोई प्रयोजन नहीं, हमें तो एक आत्मा का, आत्मा की प्राप्ति करना है। एक लक्ष्य आत्मार्थ नो बीजो काई नाई, एक भगवान आत्मा के लक्ष्य के अलावा हमारा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। तीसरा, अब कैसा है वो चेतना गुण कि जिसमें लोकालोक ग्रासी भूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया, पूरा लोकालोक जानने में आया, तो अब कोई जानने लायक बचा ही नहीं। इसलिए जानने लायक तो अपना स्वरूप ही है, यह जानकर अपने स्वरूप में ही राम गया, उपशांत हो गया। और जब स्वरूप में रमा तब क्या हुआ महाराज, तब क्या हुआ बोलो, स्वरूप में रमा तब क्या हुआ, आगे पढ़ बिना पढ़े तो बोल दो। जब स्वरूप में शांति पाई, जब स्वरूप में रमा उपशांत हुआ, रम करके तब क्या हुआ, वो कहते हैं अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया। इस प्रकार अर्थात अत्यंत स्वरूप शोक से तृप्त होने के कारण स्वरूप में से बाहर निकलने का अनुद्यमी हो, क्या लिख रहे हैं, जब स्वरूप में गया तो अब स्वाध्याय भवन में आए तो अब भाव ही ना आए, समझे तो आए, हाँ भाव जहर जाने का भाव ही ना आए। हमारे अपने पंडित साहब कहते हैं कि वे लौटता टिकट लेके नहीं गए थे शिखर जी, वे शिखर जी गए थे राजेंद्र जी, तो लौटता टिकट लेके नहीं गए थे कि जा तारीख को जा रहा है, वे तो ऐसे गए थे कि आवाज़ ही नहीं है। वे शिखर जी के पहाड़ चढ़े थे तो अपन तो जी सोच के क्या बजे उतर जाओगे, हम 2 बजे उतर जाओगे, तो भाई नहीं हम तो 8 बजे उतर जाएंगे। बड़े पहलवान मानते हैं अपने आप को, क्या जो जल्दी उतारे यार, अच्छा ही नहीं रहा ओ गए, मैं तो अभी देखो यो है पंडित जी, तुम कहा है तुम तो रह गए अभी 4 बजे आ रहे हो तुम तो, यहाँ सवार जा 5 बजे। अगर कोई के धर्म ध्यान में चित्त लग जाए वो और वो वहीं ना आए, हे भैया कब होगा उसे, कहाँ गए तो ठीक है, अगर 7-8 बजे का जाते तो उतार के आए ना, तो भाई तो बड़ी बात, हम तो 4-5 बजे आ गए थे, हम तो 4-2-8 बजे आ गए थे, अरे तुम तो आ गई ही बड़ी है, वे ऐसे चढ़े थे कि फिर मैं तो अपने साथ के लोगों से कह दिया था भैया शरीर सही चढ़ भले जाओ, ठीक है उतरियो मत,
क्यों? वे उन्होंने सब शरीरों को खिलाया है, वहां शरीर को खिलाना है, यानी देह दृष्टि तो खिला के आना। मैं शरीर हूं, मैं सिद्ध स्वरूप हूं, ये दृष्टि तो लेके आना कम से कम, है दृष्टि मुक्त तो होके आना। वे जीवन मुक्त हुए, वे सर्व मुक्त हुए, तो वहां तुमने पूरी यात्रा कर ली और तुम दृष्टि मुक्त भी नहीं हुए तो यात्रा तुम्हारी अधूरी रह गई। समझ में आया? भाव बंधन का छेदने वाली नहीं हो पाई वो यात्रा तुम्हारी। कर तो आए तुम, एक आए 108 कर आए, 5008 कर आए, अरे 1,08,00,000 असंख्यात कर ले तो भी ये दृष्टि जमाए चैतन्य पर जमाए बिना कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्या लिखते हैं आप कि अवतरण का अव आत्मा में ऐसे गए कि आत्मा में जाने के बाद में फिर कछु जा कहीं जाने का भावी नहीं आया। कितना अच्छा शब्द दिया है, सुख स्वरूप से ऐसे तृप्त भय कि बाहर जाने का भाव ही। आप भी लौकिक में देखना, अगर आप कहूं मगन हो जाओ तो दूसरी बात भूल ही जाते हो। लौकिक की उदाहरण दे रहा हूं कि हम तो ऐसे मगन वो देखने लगे हम भूल ही भाल गए, याद ही नहीं रहा, बाद में याद आओ हमें, क्यों रे हमें तो वो करना था। ऐसी जब तुम लौकिक में स्थूल सुख ही नहीं है, सुखावास में ही रुकने के बाद में दूसरी बात है भूल जाते हो, तो जिनको बोलो सुख स्वरूप मिल गया उनको बाहर आने का भाव ही नहीं आता। चौथे गुणस्थान में अनुभूति के बाहर बाहर आता है तो कंटाला लगता है। उनने ही तो लिखा है कि शुभ राग में आ जाना भी ऐसा लगता है जैसे भट्टी में जल रहे हैं। कौन ने लिखा है? उनने ही ये वचन कहे हैं जिनने चैतन्य की शीतल गुफा को देखा था। समझ में आए? मछली जानती है कि तालाब की किनारे की रेत भी जलन है उसमें अभी। तुम कहा हम कहा जाने, हम तो जाकर ऐसे गर्मी में से गए थे, अरे बड़ी ठंडक है, बड़ी ठंडक है। वो मछली कह रही कि यहाँ तो ज्वाला है। कहाँ? तालाब के किनारे की रेत। अरे रेत तो छोड़ो, वो ऊपर आती ना ऊपर, तो ऊपर जो गर्मी का काल है तो ऊपर आई तो वहां उसको ज्वाला दिखाई देती है, जल की ऊपर स्थित है, ओटी हो जाती है। ज्ञानी इस तूल सुभराग तो छोड़ो, द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प रूप मैं ज्ञाता हूं, मैं प्रभु हूं, मैं परमात्मा हूं, ऐसा विकल्प रूप, इस विकल्प रूप स्वभाव में भी आते हैं तो वहां भी उनको ज्वाला लगती है, जलन लगती है। क्यों? उन्होंने निर्विकल्पी चैतन्य गुफा को देखा है, वहां जाए बिना ये समझ में आने वाला नहीं है। समझ में? एक मित्र पक्ष के कोई भाई, कुछ बहुत दिन हो गए उस समय पहले, बोले वो बाबूजी से एक बार मिलना है हमें कोटा में जहांगीरा। तब तो बाबूजी थे, हम तो पूजा तो करते हैं नहीं, एक बात समझ में नहीं आती। बोले क्या? तो दिन ने ज्वाला लिखा है। क्या लिखा है? सुभी हो रे असुभी की ज्वाला में झुलसा है मेरा अंत सर, शीतल समकित किरने फूटे संवर से जागे अंतर वन। कहा ये हमें समझ में नहीं आया, ये ज्वाला लिखा है यहाँ, ये ज्वाला है। इनकी बात तो सही है, यहाँ बैठे बैठे समझ में अभी आने वाला नहीं, पर जहाँ बैठ करके लिखा है, हाँ जिसको समझ के लिखा है वहां जाए बिना हैं? ये बात समझ में आने वाली नहीं है। मैंने पंडित साहब का जो उदाहरण दिया जो आपके सामने दिया कि ये बताओ वो किनारे की रेत है ना, वहां क्या है? बड़ी ठंडक है। मछली से पूछी, ऐसे जो चैतन्य के तल में गए हैं ना हैं, वो जानते हैं कि शुभ राग भी भट्टी में जलना है, हाँ ये भी ज्वाला है, वो जानते हैं, क्योंकि फिर उनको भाव ही नहीं आता है स्वरूप से बाहर जाने का। तो क्या लिखते हैं? हाँ, स्वरूप से बाहर जाने का। सर्व काल में किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता। अब कोई भी चलित करता रहे, कर्म नो कर्म का कैसा भी उदय आता रहे, जिसने स्वरूप देख लिया, बोलो
किंचित मात्र भी कहीं हमारा संयम ना छूट जाए कहीं नियम, आज तो परिणाम सही है और कल बिगड़ गए तो मेरी बिगड़ेंगे पक्का। अभी क्या कह रहा कल बिगड़ जाएगी, अभी अलग बिगड़ेगी थोड़ी देर बाद। अगर तुम ये क्षणिक परिणामों के भरोसे इस मार्ग में लग रहे हो तो मत लगना, जिन मार्ग में अगर क्षण क्षणिक परिणामों के भरोसे अपरिणामों के भरोसे बदलो लगो तो स्वागत है, क्योंकि अपरिणामी कभी बदलने वाला नहीं है। आए अभी तो हमारे भाव सही है और आगे बदल गए तो, अब तो पहले ही लगा रहे हो तुम लेकिन ज्ञानी को तो इसका बदल बल है ना कि परिणाम परिणत हो गया, मैं वही का वही रह गया। अरे इन परिणामों के भरोसे थोड़ी मार्ग में लगना है, इन परिणामों के भरोसे थोड़ी जन मार्ग को समझना है। अरे मैं अपरिणामी द्रव्य हूं, ये परिणाम मेरे है ही नहीं है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, ये कोई परिणाम है ही नहीं है। इन परिणामों के भरोसे मुझे देखना, मुझे तो इन दोनों से न्यारा। तो जब अपने को आत्मा देखा तो क्या देखा बोलो, कोई भी चलायमान करने वाला नहीं है। पूजन में जिसको पूज्य आत्मा दिखने लगा, भक्ति में जिसे अपना स्वरूप दिखने लगा, स्वाध्याय में जिसको स्वय दिखने लगा, उसको आनंद आने लगा, अब उसको कौन भगा सके। उसको पचास कहा जाए ऐसा है ये है वो है, वो कहेगा अरे भैया हमारे तो आनंद का, अभी आप लोग पूजा पढ़ रहे थे ना, सम्यक पूजा फल पाने को है? मैं ये यार के चढ़ाता हूँ जो भी होगा देख लियो, पंच परमेश्वर पूजा फल है। सम्यक पूजा फल क्या है कि जो सम्यक स्वभाव है, है? उस स्वभाव के आश्रय में अतिंद्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाए वो ही पूजा का सम्यक फल है, यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाना। हे प्रभु मैं काय के लिए आया हूँ आपके सामने, मैं कोई पुण्य की भीख लेने नहीं आया प्रभु, मैं तो पूजा का सम्यक फल, यानी पूजा का सम्यक फल है सम्यक स्वभाव पर दृष्टि हो जाना। पूजा का सम्यक फल है कि जैसी वीतरागता परमेश्वर ने प्राप्त की है सुकुमार जी, हाँ वैसी मुझे मिल जा, तो ये पूजा का फल हो गया। नाथ तेरी पूजा को फल पायो, कब आयो खूब दुकान चल गई है, अब दुकान वाले तो कोई बैठे नहीं गए हैं। स्वयं पूजे परमात्म मेरो अनुभव माई आयो जी, नाथ सारी पूजा को फल पायो, पूजे पूजक वेद का भी आज विकल्प नसायो, नाथ तेरी पूजा का फल पायो, का पूज्य पूजक वेद का। हाँ हाँ दया द्वैत बंधन कर तुमको बंद भाव नसायो, नाथ तेरी पूजा को फल। अद्वैत बंधन समझ में आया, उनमें और अपने में कोई भेद ही नहीं रहा, हो अद्वैत बंधन प्रभो वर्ष छाया अपने चेतन में रम गया। तो ये प्रभु यहाँ लिखते हैं, किसी भी स्थिति में किंचित मात्र भी चलायमान पना नहीं होता, इस तरह सदा लेस मात्र नहीं चलित, अन्य द्रव्यों से असाधारणता होने से जो स्वाभूत है। अन्य द्रव्य से असाधारणता मतलब क्या, अन्य द्रव्य में चेतना गुण पाई जाती नहीं है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनमें किसमें है चेतना गुण, इसलिए चैतन्य पना जीव का असाधारण गुण है, अर्थात जीव के अतिरिक्त और किसी में नहीं पाया जाता है, अतः सबसे भिन्नता दिखाने के लिए उपयोगो लक्षणम चेतना लक्षणम है, ये चेतना लक्षण देखना ही सबको भिन्न करना है। तो क्या लिखते हैं, अन्य द्रव्य से असाधारणता होने से जो स्वभावभूत है अर्थात ये चैतन्यपना मेरे चैतन्य के अतिरिक्त और कहीं पाया जाता नहीं है, इसीलिए चैतन्यपना मेरा स्वभाव है। अब आखिरी ऐसा चैतन्य रूप, भैया पूरा कर रहे कर दें, तीन एक दो तीन तुम्हारी लगते है ना,
मतलब क्या? हाँ है, हाँ अब छोड़ रहे बस, समझ लो अभी तक तो बोले दोबारा 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 15-16 दिन तो मुझे बाजते बाजते हो ही गए। हाँ हाँ अब आज हो रहा, अब तो वहाँ हो जाए बस, चाहे पूरा हो रहा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित, ऐसा चैतन्य रूप परमार्थ। बोलो क्या लिखा है? जीव है, बोलो विराम दें, क्या लिखा? अब विराम कब होगा? ऐसा परमार्थ रूप जीव है। हाँ जी उत्तर आ गया हमारे लिए, मैं हूँ, तब ये विराम होगा। ऐसा ऐसा, अब ऐसा मतलब जो अपन ने इतने दिन तक स्वाध्याय करा, छह बोल भी बाकी बोल वो ऐसा वो अनिर्दिष्ट संस्थान की बोल, इतनी प्यारी गाथा है और इतनी प्यारी टीका है अमृतचंदाचार्य महाराज ने गजब किया है। तभी गुरुदेव बोलते थे कि भगवान कुंद कुंदाचार्य ने तीर्थंकर जैसा काम किया तो अमृतचंदाचार्य महाराज ने गणधर जैसा कार्य किया, उनकी मंथन कर दिया उनकी टीकाओं का है? अब इसका अलिंग ग्रहण की बोल और चलाएंगे अपन, तो ये गाथा का पूरा विषय अलिंग ग्रहण मतलब प्रवचन सार के आधार पर, तो ये गाथा का जितने बोल है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। फिर वो चाहे अष्टपावड़ में हो, चाहे पंचाष्टिकाय में है, वे सब इन्हीं को समाहित है। ये गाथा पांचों परमागम में है, ये गाथा धवला जी में है, ये गाथा ब्रजदेव संग्रह की टीका में कोट की गई है, कई ग्रंथों में विद्वानों ने लिखी है इतनी जगह। अब ऐसा लगता है जैसे ये गाथा सीधी दिव्य ध्वनि से आई, क्यों कुंद कुंदाचार्य महाराज को ऐसी क्या विशेषता लगी कि उन्होंने इस गाथा को, देखो कांटे से लिखना कितना ऐसा नहीं जो बनो वहां तो लिख दीजिए, पर हमने सारदी में लिख दी, लेकिन ये गाथा में ऐसा क्या था जो हर एक में इस गाथा को लिखा? गाथा में रहस्य है, वो रहस्य अपन इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं। अब पूरा पूरा परिचय है, कुछ बचा नहीं है इसमें, सब नास्ती जितनी बताने थी वो बता दी और अस्ति बता दी। आओ अमृतचंदाचार्य महाराज का और हृदय उछला, तो वे प्रवचन सार जी में कहते हैं कि सुनो यहाँ अलिंग राय नहीं है, अलिंग ग्रहण है। कितना कितना सूक्ष्म उपयोग से अर्थ निकलता है, ये अलिंग राय नहीं है मतलब यहाँ अलिंग राय एक अर्थ वाला नहीं है, अलिंग ग्रहण है, तो यहाँ बहुत से अर्थ होना चाहिए। तो बहुत से अर्थ क्या है महाराज जी? तो सुनो, तो 20 बोला, 20 तो उन्हें खोल ले और तो वास्ता तो कितना, तो वो गजब का अर्थ है वहाँ अलिंग ग्रहण का। और आखिरी में इंद्रियों से नहीं देखा जाना जाता, यहाँ से शुरू की है कथा और आखिरी में पहुंचे हैं कि मैं निर्मल पर्याय को भी नहीं छूता, वहां पर ब्रह्म दिया अलिंग ग्रहण, आ लिंग ग्रहण, इन तीन शब्दों के 20 अर्थ करें। एक जगह कहेंगे लिंग का अर्थ है इंद्रियां, एक जगह कहेंगे लिंग का अर्थ है उपयोग, एक जगह कहेंगे लिंग का अर्थ है कर्म, ग्रहण का अर्थ रूप नहीं होता। मानो अलिंग ग्रहण के 20 प्रकार से अर्थ करे, एक ही जो शब्द है ना, इसलिए बड़े पंडित जी कहते हैं कि वीतरागता के पोषक जितने भी अर्थ हैं वे हमको सब प्रमाण हैं, राग पोषक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमृतचंद्र स्वामी ने अर्थ किया है अलिंग ग्रहण के 20, एक जगह किया है लिंग बराबर इंद्री, ग्रहण मतलब जानना, क्या अर्थ हो गया? जो इंद्रियों के द्वारा जानता नहीं है, फिर कहेंगे हैं हाँ इंद्रियों के द्वारा जाना जाता नहीं है, फिर कहेंगे इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, फिर कहेंगे अनुमान द्वारा जाना जाता नहीं है, फिर कहेंगे अनुमान से जानता नहीं है, फिर कहेंगे प्रत्यक्ष जाता है। एक ही अर्थ सब एक ही, और अर्थ वही अलिंग ग्रहण का ये है, अलिंग ग्रहण मतलब ये अलिंग ग्रहण अर्थात एक अलिंग ग्रहण अर्थात एक अप्रवचन साथ मुझे दिख नहीं रहा। अब 20 ग्रंथ होंगे ना अपन देखते हैं, अगर 20 ग्रंथ होंगे तो अलिंग ग्रहण चलाएंगे, यही गाथा यही 49 रसमरूप गंधम। हाँ तो क्या लिखते हैं देखो, हाँ ऐसा चैतन्य रूप परमार्थ जीव है, क्या लिखा है? परमार्थ जीव था नहीं लिखा, क्या लिखा? ऐसा चैतन्य रूप परमार्थ जीव होगा नहीं लिखा, क्या लिखा है? परमार्थ जीव है,
जिसका निर्मल प्रकाश है। क्या लिख रहे हैं? जिसका ये जो दिखाई देता अनंत भगवंतों के मुनराजों को ज्ञानियों के जीवन में और तुम्हारे भी जो चैतन्य चैतन्य जानन जानन पना चलता है वे इसी का ही प्रकाश है। ये जीव का ही प्रकाश है जिसका निर्मल प्रकाश है। ऐसा है भगवान। वाह क्या लिखते हैं? ऐ वैभववान। भाई भगवान ना लिख करके भगवान क्या लिख रहे हैं? ऐसा हे भगवान, आज तक हमने इस भगवान की पूजा करी हैं, स्तुति करी। ऐसा है भगवान इस लोक में, क्या लिख रहे हैं? 14 राजु तंग नव लोक पुरुष संतान सामे एक अनादि से रहता ज्ञानवान। हाँ भटक है बिन ज्ञान नहीं। अब यहाँ तो भटक बिन ज्ञान भटक रहा है, भटक व्यवहार और भटक वाली कारी थोड़ी तो डर है। इस लोक में वो ज्ञानवान टंकोत्कीर्ण है। 14 राजु तंग व लोक सामे जीव अनादि से रहा भगवान, रहा ज्ञानवान, रहा सुखमयी। स्वभाव की बात कर रहे हैं ना, ये तो भटकते है बिन ज्ञान, ये भटक रहा है उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ तो किसकी बात कर रहे हैं? इस लोक में एक टंकोत्कीर्ण भैया सो रहा हूं। क्या लिखा? टंकोत्कीर्ण। टंकोत्कीर्ण मतलब टाकी से, वीरेंद्र भाई साहब टाकी से क्या कर दिया? उकेर दिया, यानी ये ज्ञाता दिष्टा है, टाकी को करा हुआ है। और तो सब मिट जाएंगे, पानी की रेखा तो तत्काल ही मिट जाए और वैसे लेख लिख दो वे भी मिट जाए, लेकिन याद वर्षों के शिलालेख। कुंद कुंद स्वामी गए थे वहां पर शिलालेख पर है, वो वहां पर लिखा शिलालेखों से मैंने टांकी पोखरा ना, ऐसे ये टांकी को करा हुआ है। क्या चैतन्य गुण में हूँ, चैतन्य गुण में हूँ, ज्ञाता देखता हूँ, जानना देखने वाला हूँ, परमेश्वर हूँ। ये क्या है? भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, सम्यक दर्शन ज्ञान में हूँ। ये क्या है? टंकोत्कीर्ण। और मिथ्या दृष्टि है, रागी है, मोही है। ये क्या है? हाँ ये तो जाने आने वाले हैं, समझ में आया कि नहीं? ये तो पानी पे लिखा हुआ है, लकीर भी नहीं है, पानी पे लिखा हुआ है। मतलब क्या? लिखाई नहीं है, ये है ही नहीं है, ये तो है वाल लिया। ये तो पानी पर लिखकर उसने मिटा दिया, वास्तव में तो लिखा ही नहीं होता, ये मान्यता से मिटा दिया। ऐसी वास्तव में रागी देसी हुआ ही नहीं है, ये मान लिया आपने तो, है ही नहीं है राग, इसके स्वभाव में है ही नहीं है। ये तो स्वभाव की बात कर रहे हैं ना, अभी पर्याय की बात यहां हम नहीं कर रहे। तो कहते हैं एक टंकोट क्वीन भिन्न ज्योति रूप। क्या लिखते हैं? भिन्न ज्योति रूप सबसे न्यारा, कर्म नो कर्म भाव कर्म सबसे न्यारा ज्योति रूप वाह विराजमान है। राजमान मतलब शोभायमान, विराजमान मतलब विशेष शोभायमान। पकड़ में आया? क्या राज, राज मतलब शोभा और मान मतलब मान, शोभायमान और विराजमान मतलब विशेष रूप से शोभायमान, अर्थात जो अपने में ही शोभायमान है बराबर विराजमान है। बैठ जाओ, क्या कहते हैं? रख आओ, जिनवाणी को रख दो, रख दो नहीं करते, विराजमान करा जाता है। जैसे देव साध गुरु को भगवान रख दो, ये उठा कर रख दियो, ए कैसे बोला तो पाप लगते है। ऐसी ये भगवान क्या है? विराजमान है, यानी विशेष रूप से राजमान है, अर्थात इसने अपना स्वभाव कभी छोड़ा ही नहीं है और प्रभाव को ग्रहण किया ही नहीं है। ये टंकोत्कीर्ण चैतन्य पने को छोड़ा नहीं है और जो नाना झगड़े कर रहे उन रूप हुआ ही नहीं है। भगवान तो अंदर ही विराजमान है, तुम क्या लड़ रहे हो? फालतू को बाहर करेगा नहीं। क्या बाहर में
पाँच दस किलोमीटर मंदिर से दूर कोई नाली फाली बह रही है, बोले हमारे भगवान। अरे बोले आप सब भैया जी नाली वाली गली वाली है इनमें तो सब बेहतर रहेंगी, तुम कहा बोले अपने भगवान तो अपना मंदिर और मंदिर की परिधि उसमें बेदी बीदी भी विराजमान है, तुम कहा विकल्प कर रहे। ऐसे जो नाली ने राग देश की नालियों में चक्कर मत पड़ो, अपना भगवान तो सोवाए मानो तक ये पहुँचती नहीं है। ये नाली फाली वहाँ बह रही है बहुत दूर, वहाँ से हमारे मंदिर से कहा, अब मंदिर में तो दूर बोल बोल भगवान तो वेदी पर है। ऐसे ही है मेरा भगवान तो अपने पारनामिक भाव में विराजमान है, ये सब द्वंद्व चलते रहते हैं, मेरे परमात्मा तक पहुंचते नहीं है, यही लिखा है विराजमान। हाँ हाँ विराजमान है, मानो अपने चैतन्य गुण में सो सोवित होता हुआ सोवायमान है, है? संकोच किन दोबारा देखो, जिसका प्रकाश निर्मल है यानी ज्ञानमय है दर्शनमय है सुखमय है प्रभुतामय है, कभी राग में नहीं हुआ, प्रकाश निर्मल है ऐसा है भगवान। मन अपने अंदर जाओ नजर करो, है भगवान, भगवान विराजमान है, ध्यान रखना। कहाँ पर बोलो बेटा, कहाँ है भगवान विराजमान? हाँ ये भगवान विराजमान है, ये भगवान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऊपर वाले भगवान तो दिख रहे हैं बराबर, लेकिन क्या लिख रहे हैं? है भगवान इस लोक में एक टंकोत कीर्ण यानी ज्ञायक रूप रहता हुआ, सबसे भिन्न ज्योति रूप रहता हुआ विराजमान है, इस विराजमान भगवान में ही पर्याय को ले जाओ दर्शन कर लो। क्या करवा उसके, जब भगवान विराजमान हो गए तो करना क्या, भगवान तो विराजमान हो गए, अब भगवान विराजमान हो गए तो हम क्या करें, बोलो दर्शन करो। ऐसे ही तुझे कुछ नहीं करना है इस भगवान में, क्या करना है दर्शन कर ले, जो पर्याय एक बार दर्शन करे तो ही सम्यक दर्शन पाले, और बार बार उसी में रम जाए तो ही ज्ञानी सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान, और उसी में रम जाए तो ही चारे, और बारंबार रमती उसी में सदा के लिए रम जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर पर्याय भी भगवान भगवान जाएगी। विराजमान भगवान को मैं अपनी पर्याय को विराजमान कर दो, वो पर्याय परमात्मा हो जाएगी। पुनः टीका को आप लोग वाचना आगे के श्लोक अलग, और जैसे नाचार्य की टीका और है इसकी वाचना करेंगे अभी। बुद्धि बुद्धि श्री का समय